नमस्कार, टीम मॉम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुजिया, जिसके बिना होली कभी पूरी नहीं होती। टाइम के साथ साथ इसकी शेप्स तो बदली है, बट स्वाद नहीं। अनलाइक लड्डू, गुलाब जामुन और चक्की, गुजिया खुशियों से भरी हुई है। इसका हाफ मून लाइक शेप इसे सारी मिठाइयों से अलग करता है। इसे सिर्फ होली पर नहीं, दिवाली पर भी बनाए जाते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है खोया, पिसी हुई चीनी, देसी घी, नारियल, ड्राई फ्रूट पेस्ट में काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता, इलायची पाउडर, सूजी, चीनी, मैदा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बनाना। पहले इसका आटा गूंध लेते हैं। एक बड़े बॉल में मैदा लेंगे, इसमें 4 चम्मच मेल्टेड देसी घी डालेंगे और इसे उंगलियों से मिलाते हुए आटे की बाइंडिंग चेक करेंगे। अगर मुट्ठी में लेने से इकट्ठा नहीं हुआ तो इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और फिर से बाइंडिंग चेक करेंगे कि उसमें घी की मात्रा ठीक है। अब पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। तब तक इसे गूंदेंगे जब तक फर्म ना हो जाए। फिर इसे ढक कर 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 2 कड़छी देसी घी लेंगे और ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। हमने दरदरा पीस लिया है, आप चाहे तो इसे कट करके नॉर्मली भी फ्राई कर सकते हैं। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई होते ही इसे बॉल में निकाल लेंगे। दोबारा 2 चम्मच घी डालेंगे और नारियल फ्राई करेंगे। इन्हें भी वैसे ही हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसी कढ़ाई में सूजी रोस्ट करेंगे। रोस्ट होते ही बॉल में निकाल लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लेंगे और उसमें 2 कड़छी दोबारा घी लेंगे और ग्रेटेड खोया डालकर रोस्ट करेंगे। खोए को चलाते रहेंगे लगातार धीमी आंच पर। इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये इकट्ठा ना होना शुरू हो जाए। इकट्ठा होते ही इसमें 3 कड़छी पिसी हुई चीनी डालकर मिला। पिसी हुई चीनी यहाँ इसलिए डालेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बना रहे। चीनी और खोए को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट चेक करेंगे। इसमें 4 चम्मच चीनी और डालेंगे और मिलाकर पका लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे और हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट हम डालेंगे कुटी हुई इलायची, मिलाएंगे। अब भुना हुआ नारियल, फिर भुनी हुई सूजी डाल लेते ही मिक्स करेंगे। सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब बनाते हैं गुजिया। आटे को एक बारी मथ लेंगे अच्छे से। हाथों में रोल करते हुए आटे की लोइयां बनाकर इक्वली डिवाइड कर लेंगे। अब एक लोई लेंगे और रोल करेंगे गोल शेप में। 4 से 5 डायामीटर सभी लोइयों को इसी तरह से रोल कर लेंगे। रोल की हुई लोइयों को गुजिया मोल्ड पर रख लेते हैं। फिंगर्स से इसके सर्कमफ्रेंस या साइड पर पानी लगाएंगे। 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। अब दोनों एंड्स को दबाते हुए इसे सील कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे साइड से। सारी गुजिया ऐसे ही बना कर रख लेंगे और एक्स्ट्रा आटे को एक साथ रख कर दोबारा से गुजिया बना लेंगे। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे। गर्म होते ही एक एक करके गुजिया डालकर धीमी आंच पर फ्राई करेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ही पेशेंटली फ्राई करें, सिर्फ धीमी आंच पर। फ्राई हो गई है
इसे नैपकिन पर निकाल लेते हैं ताकि एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाए। सारी गुजिया ऐसे ही फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। गुजिया बनकर तैयार है। कितनी क्रिस्पी और सुंदर और मिठास से भरी बनी है। आप चाहें तो इसे चाशनी में डुबो कर भी खा सकते हैं। इसे गार्निश करें कसे हुए नारियल से। सर्व करें गरम अपनी फैमिली और गेस्ट को जब चाहे। ठंडा होने पर एयर टाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखें। अगर आपको हमारी गुजिया रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।